हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड। मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ दी स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, जिसमें हमने मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन देखा और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन देखा। मॉइस्ट हीट में आपका आता है ऑटोक्लेव, बॉयलिंग, टेंडलाइजेशन एंड पाश्चराइजेशन, एंड अमंगस्ट ऑल देम ऑटोक्लेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हमने देखा रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन एंड हॉट एयर ओवन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड। रेडिएशन में आपकी दो तरह की रेडिएशन आती है, एक है आपकी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अदर वन इज आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग के अंडर आती है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन और द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एंड आयनाइजिंग रेडिएशन में आती है आपकी एक्सरेज एंड दी गामा रेज। पहले हम दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। हमें पढ़ना है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, और रेडिएशन में हमने कहा दो तरह की रेडिएशन है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है? नॉन आयोनाइजिंग मीन्स ऐसी रेडिएशन जिनमें आयॉन्स नहीं बनते हैं, बट दे विल प्रोड्यूस हीट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? जिनमें आयॉन्स का क्रिएशन होगा, और यही आयॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल योर एक्सरेज एंड द गामा रेज। सो द फर्स्ट वन इज इंफ्रारेड रेडिएशन। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन है इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज लॉन्गर देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट। अब बता दूं कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है दिस इज फॉर विजिबल लाइट, एंड जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो 750 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है दिस इज नॉन आयनाइजिंग, दैट मींस इट डज नॉट प्रोड्यूस दी आयंस, ठीक है, ये आयनाइज नहीं होती है, ये आयंस का प्रोडक्शन नहीं करती है। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज इट इज लेसर एनर्जेटिक रेडिएशन। क्यों? क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है, तो जो एनर्जी होती है इट डिक्रीजेस। सो अगर हम बात करें आईआर रेडिएशन की तो उसकी वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट से ज्यादा है, एंड एनर्जी विल बी less than that of the visible light. Then talking about the mechanism, अब क्योंकि एक non-ionizing radiations है और ये ions का production नहीं करती है, so this radiation basically produces heat, and यही heat जो होती है वो responsible होती है for the destruction of microorganisms, जो आपके microorganisms हैं, ठीक है। इन microorganisms के अंदर जो भी components होंगे उन सारे components की ये heat जो है oxidation कर देती है, and oxidation results into destruction. All right, then talking about the application, what are the applications, kahan par hum IR radiation ko use karte hain for sterilization? Jo aapke pre-packed items hote hain jaise ki syringe ho gaye aur catheters ho gaye. Ab ye catheters kya hai? These are your thin tubes, theek hai. Ye catheters basically thin tubes hote hain jo kisi bhi particular disease ko treat karne ke liye ya fir koi surgical procedure ko perform karne ke liye insert kiye jate hain body mein. To ye jo pre packed items hoti hain inke sterilization ke liye hum IR radiation ko use kar sakte hain. So in this picture you can see this is a catheter, theek hai. Ye jo catheter ka ye wala end jo hota hai this goes into the bladder. ये ब्लैडर में जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, और वहां से क्या कलेक्ट करेगा? आपका यूरिन कलेक्ट करेगा, फिर इस थिन ट्यूब के थ्रू जो यूरिन है वो आपकी इस एंड तक जाएगी, और ये वाला एंड जो होता है वो एक बैग से या किसी वॉल्व से, ड्रेनेज बैग या वॉल्व से क्या होता है कनेक्टेड रहता है, और जितना भी यूरिन होती है वो ब्लैडर से कलेक्ट होकर आपके इस बैग में कलेक्ट हो जाती है। सो दिस थिन ट्यूब इज नोन एज कैथेटर। तो इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए या फिर सिरिंज के स्टेरिलाइजेशन के लिए आप आयर रेडिएशन को यूज कर सकते हो। नाउ आफ्टर आयर रेडिएशन वी हैव अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात की जाए तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है दैट इज फ्रॉम 150 टू 300 3900 एंगस्ट्रॉम।
ये जो वेवलेंथ है ये विजिबल लाइट से कम होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेडिएशन से कम होती है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपकी यूवी लाइट आती है उससे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो आपकी विजिबल लाइट की है, और उससे भी ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो आपकी आईआर रेडिएशन की है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है इट हैज़ बैक्टीरियसिडल एफिशिएंसी, ठीक है। जो आपकी यूवी लाइट है उसमें बैक्टीरियसिडल एफिशिएंसी होती है। बैक्टीरियसिडल मींस द एबिलिटी टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन कौन सी वेवलेंथ पे? 2650 एंगस्ट्रॉम पे, जो आपकी यूवी रेडिएशन है, ठीक है। जिस रेडिएशन की वेवलेंथ अराउंड इतनी होगी वो आपकी बहुत अच्छी बैक्टीरियसिडल एबिलिटी शो करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की एबिलिटी रखता है। इवन जो आपकी सनलाइट होती है उसमें भी आपकी यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट रहती है एंड उसकी वेवलेंथ होती है 2670 to 3900 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए जो आपकी सनलाइट होती है, ठीक है, जिसमें यूवी रेडिएशंस प्रेजेंट रहती है, इट हैज़ द एबिलिटी टू किल द माइक्रोब्स। इसीलिए जो आपकी सनलाइट होगी हम कह सकते हैं इट हैज़ माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि हाउ द यूवी लाइट और द यूवी रेडिएशन इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, तो ये जो यूवी लाइट है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय मेनी ऑफ द सेलुलर मटेरियल्स, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेलुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो वो सारे सेलुलर कॉम्पोनेंट्स क्या करते हैं, इस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो है उनके न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये न्यूक्लिक एसिड मैं बता दूँ, एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड बनता है हमारे प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन से, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्यूरीन्स क्या होते हैं, पायरिमिडीन्स क्या है। तो जो आपका यूवी लाइट होती है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं ये आपके पायरिमिडीन्स। अब ये पायरिमिडीन्स क्या है, आपने पढ़ा होगा थायमीन है ना, और साइटोसिन एंड यूरासिल। सो दीज आर ऑल योर पायरिमिडीन्स। तो इन्हीं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन से मिलकर बनते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए आरएनए कहते हैं। ऑलराइट, तो सनलाइट जो है और यू कैन से द यूवी रेडिएशन, ये पायरिमिडीन्स जो है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली सिग्निफिकेंटली इस लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, डाइमर बन जाता है, ठीक है। डाइमर बन जाता है का क्या मतलब है कि जो दो एडजेसेंट पायरिमिडीन्स होंगे वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और जब ये डाइमर बन जाता है उस वजह से डीएनए अब रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, या डीएनए की प्रॉपर तरीके से सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्यों डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी? क्योंकि इन्हीं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स की हेल्प से डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो अब डाइमर बनने की वजह से जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है दैट विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, दिस डीएनए विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, और किसी कुछ और तरह के म्यूटेशंस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ सकते हैं, और यही डीएनए रेप्लिकेशन फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द यूवी रेडिएशन वर्क्स। तो हमने जैसे बात की कि सनलाइट में भी यूवी लाइट प्रेजेंट रहती है इन द रेंज ऑफ 2670 to 3900 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ की यूवी लाइट प्रेजेंट रहती है आपके सनलाइट में। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ पर फॉरेनर्स देखे होंगे वो अपने आप को सनलाइट में टैन करते हैं, ठीक है, वो टैनिंग करवाते हैं अपनी सनलाइट में, क्योंकि माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी होती है सनलाइट की, ठीक है, क्योंकि सनलाइट में यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होती है और यूवी रेडिएशन में माइक्रोबिसिडल या फिर बैक्टीरियसिडल एक्टिविटी होती है या एबिलिटी होती है। तो जितने भी हमारे स्किन सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे किल हो जाएंगे थ्रू दिस टैनिक टेक्निक और थ्रू दिस सनलाइट। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी लाइट या यूवी रेडिएशन, जो जर्मिसिडल लैम्प्स होते हैं,
ठीक है, जर्मिसिडल मीन्स ऐसे लैम्स जो क्या करते हैं जर्म्स को किल करेंगे, ठीक है। अब कैसे वो लैम्स जो है जर्मिसिडल जर्म्स को किल करेंगे, क्योंकि वो जो लैम्स होते हैं वो एमिट करती हैं यूवी रेडिएशंस को, ठीक है, इन द रेंज ऑफ 2600 टू 2700 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस मीन्स जो जर्मिसिडल लैम्स होते हैं वो यूवी रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और उन यूवी रेडिएशंस की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 2600 टू 2700 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और ये रेडिएशंस जब एमिट होती है तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। अब इन जर्मिसिडल लैम्स का यूज कहाँ है, इन लैम्स लैम्स को हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स में या फिर एसेप्टिक फिलिंग रूम्स में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जहां पर आपको क्या करना है एनवायरमेंट में माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वहां पर आप ये लैम्स को यूज कर सकते हो। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज यूवी रेडिएशन हैज लिटिल एबिलिटी टू पेनिट्रेट द मैटर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्टरलाइज करना है यूजिंग यूवी रेडिएशन, तो इसमें इसका ड्रॉबैक ये होता है कि ये किसी भी मैटर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट आपको स्टरलाइज करना है अगर केवल उसकी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो आप यूवी लाइट को यूज कर सकते हो या यूवी रेडिएशन को यूज कर सकते हो फॉर द स्टरलाइजेशन। सो इट सेज ओनली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू यूवी लाइट आर ससेप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो केवल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, स्टरलाइज कर सकते हो जिनके सर्फेस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब यूवी लाइट से एक्सपोज होंगे तो उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो यूवी लाइट है आपकी मैटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। नाउ नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। अभी तक हमने नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में देखा, जिसमें आपने इंफ्रारेड रेडिएशन देखा और यूवी रेडिएशन देखा, ठीक है। अब है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो ऐसी रेडिएशन होती है जो आयोन्स प्रोड्यूस करती है। ये हमने पहली स्लाइड में भी बताया था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोन्स को प्रोड्यूस करती है एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट। लेकिन जो आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो आयोन्स का प्रोडक्शन नहीं करती है, वो आपका हीट का प्रोडक्शन करती है, और हीट के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपकी दो रेडिएशन आती है, एक तो है आपकी गामा रेडिएशन और एक आती है आपकी एक्सरे रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन है दे पेनिट्रेट डीप इन टू द ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ये जो यूवी रेडिएशन होती है ये ऑब्जेक्ट को या किसी मैटर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसीलिए केवल जो सर्फेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसी का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। लेकिन ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, चाहे वो आपकी गामा रेडिएशन हो चाहे वो आपकी एक्सरे रेडिएशन हो, ये पेनिट्रेट कर सकती है इन टू द ऑब्जेक्ट्स। देन क्योंकि हमने कहा कि ये जो रेडिएशन होती है किसी भी तरह की हीट का प्रोडक्शन नहीं करती है, ठीक है, तो ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू हम जो स्टरलाइजेशन करते हैं उसको हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन क्यों, क्योंकि ये किसी भी तरह की हीट का प्रोडक्शन नहीं करती है। और इसका क्या एडवांटेज हो गया कि थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम हीट में डालेंगे तो वो प्रोडक्ट या फिर ऑब्जेक्ट खराब हो सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस का अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है तो हम उनको कोल्ड स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज कर सकते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन में किसी भी तरह का हीट का इस्तेमाल नहीं होता है, दैट इज योर आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी गामा रेडिएशन हो या फिर वो आपकी एक्सरेज हो। नाउ द नेक्स्ट इज गामा रेडिएशन। ये जो गामा रेज होती है ये कोबाल्ट 60 से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज एन आइसोटोप, ठीक है। एंड इस गामा रेडिएशन को आप यूज कर सकते हो फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, हॉर्मोन्स है, आपके सूचर्स है, ठीक है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द सिरिंज, इन सारी चीजों को आप स्टरलाइज कर सकते हो यूजिंग गामा रेडिएशन। एंड पाश्चराइजेशन ऑफ मीट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग द गामा रेडिएशन। नाउ एक्सरेज भी आपकी जो होती है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है,
और दीज आर वेरी वेरी लीथल, ये बहुत लीथल होती है, बहुत ड्रेडफुल होती है, बहुत हार्मफुल होती है टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो फॉर द हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन बींग्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो लीथल है ही, ठीक है, बहुत हार्मफुल है ही, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है. दे हैव कंसिडरेबल एनर्जी एंड पेनिट्रेशन एबिलिटी, ठीक है. ये जो आपकी एक्सरेज होती है, इनकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल रेंज से कम होती है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. और ये बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है इनटू दी ऑब्जेक्ट्स. तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि ये रेज जो होती है बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है. एंड दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, दे कैन कॉज कैंसर, ठीक है. सो दे दिस इज सो बिकॉज दे हैव द पेनिट्रेशन एबिलिटी, पेनिट्रेट कर सकती है ऑब्जेक्ट में और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसीलिए उस एरिया से कोई भी एडिशनल इंडिविजुअल जो होता है उस एरिया में जहाँ पे एक्सरेज परफॉर्म होते हैं वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन मेथड, ठीक है. तो अभी एक बार मैं क्विक रिविजन करती हूँ. हमने स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट पढ़ा, और फिर हमने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन देखा, एंड अभी हमने पढ़ा स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. और अब हमारा एक आखिरी टॉपिक बचता है, दैट इज स्टरलाइजेशन बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, और यू कैन से द मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. इसको पढ़ने के बाद हमारे जो फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. सो मेम्ब्रेन फिल्टर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फिल्टर्स, ठीक है. दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट या फिर पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड. इसका जो पोर साइज होता है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर एंड थिकनेस इज अराउंड 150 माइक्रोमीटर्स. ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स है इसको भी लेबोरेटरीज में या फिर इंडस्ट्रीज में फ्लूइड मटीरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. एप्लीकेशंस में भी अगर आप देखोगे तो लैब्स में और इंडस्ट्रीज में जो फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल फ्लूइड्स होती हैं, उनको आप स्टरलाइज कर सकते हो यूजिंग दिस मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है. ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है अगर आप देखोगे, बेसिकली क्या होता है, एक मेम्ब्रेन फिल्टर का एक पूरा एक सेटअप होता है, ठीक है, पूरा एक ऑपरेटर्स होता है, और उसमें आप जो भी आपको प्रोडक्ट, आपको फ्लूइड मटेरियल जो भी आपको स्टरलाइज करना है वो आप पोर करते हो मेम्ब्रेन फिल्टर से, और फिर नीचे कंटेनर में वो फ्लूइड आपका कलेक्ट हो जाएगा और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है. तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा. तो इस मेथड में अगर आप देखोगे तो हम किसी भी तरह की हीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं. तो जितने भी आपके हीट लेवल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को आप इस मेथड से स्टरलाइज कर सकते हो. और एक और हमने पढ़ा था कि आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती है उनमें भी किसी तरह की हीट का प्रोडक्शन नहीं होता है. तो जो वहाँ थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस है उनको आप या तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू या फिर जो अदर टाइप्स के थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस होते हैं आप उनको आयनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हो. बाकी आपके ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशंस है, ठीक है, जो आई प्रिपरेशंस होती है जो आईज में डाली जाती है, ठीक है, या फिर आपके कल्चर मीडिया है या एंटीबायोटिक्स है, इन सबको आप क्या कर सकते हो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हो. इस इमेज में अगर आप देखोगे तो पूरा मेम्ब्रेन फिल्टर का प्रोसीजर दिखाया गया है. ये जो पर्टिकुलर कंटेनर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लगाया गया है आपका मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है. आप इसको मॉलिक्यूलर फिल्टर भी बोल सकते हो. और इस पर्टिकुलर कंटेनर में आप जो भी सैंपल, आपको जो भी फ्लूइड सैंपल आपको स्टरलाइज करना है, यहाँ से आप क्या करोगे, फ्लास्क से उसको पास करोगे, ठीक है. फिर यहाँ से आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने कॉटन प्लग को इंसर्ट किया है ताकि स्टरलिटी मेंटेन रहे, और इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपने कनेक्ट कर दिया है वैक्यूम लाइन से, ताकि वो वैक्यूम को सक कर सके, मींस वो लिक्विड को सक कर सके और जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका स्मूथली जाए.
तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे लिखा है स्टेराइल फिल्टर। इस मेम्ब्रेन फिल्टर से आपका जो ये फ्लूइड है वो पास ऑन हो जाएगा और नीचे वाले कंटेनर में आपका फिल्ट्रेट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ स्टेराइल फिल्ट्रेट। स्टेराइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी कॉन्टामिनेशन इसमें होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इस मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर रुक जाएंगे। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज नोन एज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, और वी कैन से स्टेरिलाइजेशन मेथड ऑफ मेथड बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। So with this we come to an end and we have completed our topic, that is physical methods of sterilization, under which we have seen the moist heat sterilization, the dry heat sterilization, and sterilization by filtration method and sterilization by radiation method. I hope you enjoyed the today's video, and agar aapne abhi tak channel ko subscribe nahi kiya hai to do subscribe the channel and please share your views in the comment section, and thank you everyone for watching. Bye bye.